अंतराल के बाद का समय शुरू होने जा रहा। हम एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का स्वागत करते हैं कश्मीर सपोर्ट्स वॉच पे। मैं हूं आपके चहेते और मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर जावेद जाफर, जो नोपुरा से ताल्लुक रखते हैं। एसीसी हवल श्रीनगर के कप्तान ने आज सुबह टॉस जीता था और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है और 19.1 गेंद में वो ऑल आउट होकर वापस गए हैं। अब 122 रन उन्होंने बोर्ड पे लगाए हैं, 123 रन अब मुमताज वॉरियर्स को जीतने के लिए करने होंगे। और ये लीजिए, सलामी जोड़ी भी अब मैदान में आ चुकी हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमेंटेटर जावेद जाफर, जो उर्दू कमेंटेटर हैं। जाफर भाई, स्वागत है आपका अंतराल के बाद। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया लवली। दूसरी इनिंग का खेल शुरू होने वाला है इस समय। आबिद गुल जो है इस समय मैं देख रहा हूं आपके साइड स्क्रीन के सामने इस समय नजर आ रहे होंगे, वो थोड़े से वार्म अप कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि गेंदबाजी की आगाज जो है वो आबिद गुल ही से करेंगे कप्तान, क्योंकि आबिद गुल एक ऐसे गेंदबाज है जिनके पास ये क्षमता है कि वो शुरुआत के झटके जो है वो देने में माहिर है। देखना पड़ेगा आज इस सतह पे किस तरह की गेंदबाजी करते हैं आबिद गुल, ये आने वाला समय ही कहेगा। आबिद गुल थोड़े से वार्म अप करते हुए अपने आप को, बड़ा अहम मुकाबला है दोनों टीमों के लिए। जो भी टीम इस मैच को हारेगी वो टूर्नामेंट से, इस प्रतियोगिता से बाहर हो जाएगी। और ये लीजिए, आबिद गुल को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। ऐसे में देखना यही होगा कि वो किस तरह की गेंदबाजी कर पाएंगे। हालांकि एक अच्छी पारी उन्होंने जरूर खेली है अपनी टीम के लिए और यही एक फलस्वरूप है कि उनकी टीम 122 रन पे पहुंची है। हालांकि वो काफी देर से आए बल्लेबाजी करने के लिए, 8वें नंबर पे आए हैं। इस तरह के खिलाड़ी अगर आपकी टीम में है तो आपको आगे उसको लाने की जरूरत है, क्योंकि इसमें कुछ अलग है। श्रीनगर का कोहिनूर उनको माना जाता है। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन वो चाह रहे हैं। पहले स्लिप में मोहम्मद हफीज खुद तैनात हैं, जो हंदवाड़ा के एक बढ़िया खिलाड़ी, खास तौर से तो टॉप का किंग उनको माना जाता है। अगर आप हफीज की बात करें तो ये चले आबिद गुल, दाएं हाथ से ऑल द विकेट उनके सामने हैं। इकबाल शाह और बासित जो हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। इस बार आगे निकलकर जरूर आए थे, वहां पे मिड ऑन पे गेंद गई थी, वो 30 गज दायरे के अंदर है, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं है। जाफर भाई, जिस तरह का गेंदबाज आबिद गुल हैं, ये उनके स्टैट्स आंकड़े दर्शाते हैं कि पावर प्ले में वो बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं, विकेट चटकाते हैं अपनी टीम के लिए। हाँ, ये बात तो जरूरी है कि क्योंकि इस समय विकेटों की भी जरूरत है। अगर बात करें यहाँ पर आए गेंद की, आगे आके इसको उठाया, वहां पर खिलाड़ी जा रहे हैं, देखना पड़ेगा रोक पाएंगे इस गेंद को। और एक टपा खाने के बाद ऐसा लगता है कि बाउंड्री लाइन से पार चली गई है 4 रनों के लिए। पॉइंट के ऊपर से इस गेंद को खेला था वहां पर बल्लेबाज ने, बहुत ही उमदा स्ट्रोक। थोड़ी सी गेंद हवा में भी गई थी, लेकिन सैप जोन में गिरने के बाद एक बाउंस के बाद बाउंड्री लाइन से पार शॉर्ट पॉइंट इस समय खड़ा है, उसके ऊपर से खेला गया स्ट्रोक, बहुत ही उमदा और दर्शनीय स्ट्रोक। इन 4 रनों के साथ यहां पर अकाउंट शुरू हुआ। एक मरतबा फिर आबिद गुल, वो भी जान रहे हैं कि बल्लेबाज का कुछ तेवर अलग किस्म के है, वो जहराना खिलाड़ी है। देखना पड़ेगा अगली गेंद पर क्या होता है। आबिद गुल आए गेंद की, आगे आके इसको खेला, वहां पर एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया। यही खासियत मैंने पहले ही कहा था कि आबिद गुल ने वेरिएशन के तौर पर थोड़ी सी स्लोवर कर दी थी, बल्लेबाज इस चिंता में फंस गए थे, लेकिन वहां पर पॉइंट के खिलाड़ी ने एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया है। और जी हाँ, आप अपने स्क्रीन के सामने बिल्कुल देख रहे हैं, आबिद गुल हताश निराश जरूर हैं। और इस तरह का कैच अगर आप छूटते हैं तो अन्यथा खिलाड़ी, जो और भी खिलाड़ी मैदान के अंदर हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज जो है वो गिरती नजर आ रही है। और इतना आसान मौका आबिद गुल ने अपना काम स्पष्ट तौर पे किया था अपनी टीम के लिए, लेकिन फील्डर ने वहाँ गलती की, कैच लपक नहीं पाए। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद पड़ने के बाद बाहर की ओर जा रही थी। लोन वारिस जो हैं वो हमें लिख रहे हैं, जाफर एक बढ़िया कमेंटेटर हैं, इसमें कोई संदेह नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा है। वो नॉर्थ कश्मीर के, न केवल नॉर्थ कश्मीर के बल्कि जैंड की अगर आप बात करें, तो अगर आप बेहतरीन कमेंटेटर निकालेंगे तो उनमें
उनका नाम जरूर आएगा जावेद जाफर की अगर आप बात करें। जावेद जाफर वहीं से ताल्लुक रखते हैं जहां जैक लोन जहांगीर लोन ताल्लुक रखते हैं। एक बढ़िया टैलेंटेड, इस बार आगे निकलकर खेलना चाहते थे, मिड विकेट के ऊपर से गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए और बहुत बढ़िया शॉट। हालांकि उन्होंने आबिद गुल ने अपना काम स्पष्ट तौर पे किया था, जाफर पहले ही ओवर में उन्होंने विकेट जरूर दिलाई थी अपनी टीम को, लेकिन कैच लेने में वो असफल जरूर रहे पॉइंट के क्षेत्र में। देखिए गेंदबाज का काम ही ऐसा ही होता है कि वो शुरू में अगर आपको एक मौका देगा वहां पर विकेट लेने के चांस उनसे बनते हैं, लेकिन अगर आपने इस तरह के कैच छोड़े तो मैं समझता हूँ मैच में कहाँ रहने वाले आप, क्योंकि ये वो खिलाड़ी है जिसका आपने कैच छोड़ा है, ये बख्शने वाले फिर कहाँ होते हैं। और आगे आके एक बार फिर हवा में गेंद, 3 खिलाड़ी जा रहे हैं कैच लेने के लिए, देखना पड़ेगा। और बुलाकर एक आसान सा कैच वहां पर लिया है, शायद ऐसा लगता है कि आसिफ वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कोई गलती नहीं की और फिर आखिर आबिद गुल ने इस खिलाड़ी को पवालिम की राह दिखाई है। और ये देखिए अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखे होंगे आबिद गुल जब उन्होंने ये विकेट लिए हैं उसके बाद अगर आप जाफर भाई उनकी प्रतिक्रिया देखिए, बल्लेबाज को शाबाशी दे रहे आउट होने के बाद। नहीं यही कह रहे हैं कि मैं भी यही चाहता था कि तू खुल के खेले ताकि एक मौका बन सकता है वहां पर, आते ही यहां पर मैंने पहले कहा विकेट पे खुल के खेलने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा अगर समय आप बिताओगे इस विकेट पे तो रन काफी मौजूद है इस विकेट पे, लेकिन आते ही मैं समझता हूं जल्दबाजी की खिलाड़ी ने और उसका उसको खमियाजा उखड़ना पड़ा, वो आउट होकर अब वापस जा रहे हैं। देखना पड़ेगा आने वाले बल्लेबाज, इनके पास काफी लंबी बैटिंग लाइनअप है, लेकिन अगर बात करें आबिद गुल की, उन्होंने आते ही एक विकेट दी है यहां पर, तो इससे बेहतर वो क्या कर सकते हैं। एक मंझे हुए खिलाड़ी, अगर बात करें श्रीनगर की, कोई नूर भी माना जाता है उन्हें, अगर श्रीनगर की बात करें एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, उसके साथ साथ बैटिंग भी बहुत ही शानदार करते हैं। आज उन्होंने उसका नमूना पेश भी किया जब उन्होंने केवल 10 गेंदों पर 26 रनों की बड़ी बेहतरीन पारी खेली थी। तो ये आबिद गुल जो है ये कहाँ रुकने वाले हैं, ये तो जिसे बोलते हैं ना एक्सप्रेस है श्रीनगर के, ये हमेशा विकेट दे के ही जाते हैं इस मैच पे। जहां तक 2020 का सवाल है इसमें ये मंझे हुए खिलाड़ी है, देखना पड़ेगा। इश्फाक शाह के आउट होने के बाद अब मैदान में उनके कप्तान आ चुके हैं मुर्तजा बाबा, जो दाएं हाथ के खिलाड़ी हैं, वो तेज खेलना पसंद जरूर करते हैं। दूसरे छोर से तंजीर को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। आबिद गुल ने अपने पहले ही ओवर में एक दचका जरूर दिया है मुमताज वॉरियर्स को और अब उनके कप्तान मैदान में हैं। स्ट्राइक पे मुर्तजा बाबा अब आ चुके हैं, दाएं हाथ के ये खिलाड़ी हैं, ये तेज खेलना पसंद करते हैं। दूसरे छोर से तंजीर को गेंदबाजी की कमान दी गई है और कितना अच्छा कैच वहां लपका डीप पॉइंट में। ऐसा लग रहा था कि वो कैच भी छूटेगा लेकिन अंतिम क्षणों में उन्होंने अपनी निगाहें बनाए रखी उसके ऊपर और अंत में उन्होंने कोई भी गलती नहीं की। आबिद गुल लगातार बातचीत कर रहे हैं अपने गेंदबाजों से और ये सही भी हैं क्योंकि एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी हैं, ऐसे में वो उनसे बातचीत जरूर करें। मिड ऑफ पे वो खुद तैनात हैं आबिद गुल। अगर आप फील्ड की बात करें गली पॉइंट कावा शॉर्ट कावा, ये ऑफ साइड की फील्ड है, ऑन साइड की फील्डिंग मिड ऑन मिड विकेट 30 गज दायरे के बाहर है। इस बार आगे आए थे शॉट खेलने का उन्होंने प्रयास किया था, जहां पर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मुमताज़ बाबा अभी भी आए हैं और पहली गेंद पे उन्होंने अपने इंटेंशन जो है वो क्लियर किए हैं मैं किस माइंडसेट के साथ मैदान में आया हूं। मैंने पहले कहा लवली जो भी बल्लेबाज नया आएगा उन्हें पहले विकेट को समझना होगा, आते ही शॉट लगने आसान नहीं होते किसी भी बल्लेबाज के पास, चाहे आप कितना ही क्यों ना बड़ा खिलाड़ी हो। देखिए जिस तरह की गेंदबाजी हो रही है इस समय, काफी अच्छी गेंदबाजी हो रही है अगर बात करें एसीसी हवल की। और देखिए साफ बोल्ड, पहले से ही मुझे पता था कि ये बल्लेबाज जो है गलती करने वाला है, यॉर्कर लेंथ की गेंद थी, पूरी तरह से चकमा खा बैठे यहां पर और क्लीन बॉल होकर अब वापस जा रहे हैं। दूसरा झटका लगता हुआ यहां पर लवली, इस झटके से काफी राहत की सांस ली होगी एसीसी हवल की टीम ने। जी हां, इस बार कप्तान की विकेट मुर्तजा बाबा वापस जा रहे हैं शोने पे, उन्होंने 2 गेंदों का सामना किया बिना रन बना के, वो डगआउट की ओर निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं और ये मुझे लग रहा है कि यहां से वापसी जरूर की है
एसीसी हाउल श्रीनगर की टीम ने, और आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं इस समय मैदान के अंदर वो हडल बनाए रखे हैं, उसमें वो बातचीत कर रहे हैं। शायद उनको ये एहसास हुआ है जाफर कि हम इस मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि ये दूसरा ओवर प्रगति पे है, 8-2 अगर स्कोर बोर्ड दर्शा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि उतना आसान नहीं होगा उनके लिए। देखिए लावणी, ये बखूबी जानते हैं उनके कप्तान के अगर पूरे ओवर यहाँ पर अपोजिट टीम खेल गई तो इस मैच में हम नहीं बने रहेंगे। वो भी यही चाह रहे हैं कि इन ओवरों में इनको इनसे पहले ही सिमटाना जाना, क्योंकि जब तक आप विकेट नहीं लोगे तब तक इस मैच में आप बने नहीं रहोगे। तो अब तक जो गेंदबाजी हुई है एसीसी हावल के दोनों जो मैन स्ट्राइक गेंदबाज है, अब तक एक एक विकेट हासिल कर चुके हैं। पहले ओवर में आबिद गुल ने विकेट किया, अब दूसरे गेंदबाज के रूप में तंजीर आए थे दूसरे रूप के गेंदबाज, उन्होंने आते ही अपने दूसरी गेंद पर एक अहम विकेट हासिल की है, टीम के कप्तान को पवेलियन की राह दिखाई। और इस समय नए बल्लेबाज अब आए हैं, देखना पड़ेगा उस तरह उसको किस तरह की फील्ड सजाते हैं यहां पर कप्तान सैम, उसी तरह की फील्डिंग होगी कि सर्कल के अंदर। हाँ ये देखिए सर्कल के अंदर लाया गया है वहां पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को, और उसके अलावा एक गली, एक पॉइंट, एक शॉट कवर, एक वाइडिश लॉन्ग ऑन, ये फील्ड के साथ गेंदबाजी। फाइन लेग पर भी एक फील्ड रखा जा रहा है, शॉर्ट स्क्वायर लेग पर भी एक फील्ड, डीप मिडविट को बाहर कर दिया है। एक मरतबा फिर तंजीर इस गेंद को आगे आके बड़े स्टाइलिश अंदाज के साथ खेला, गेंद गई शॉर्ट कवर की ओर, इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। स्कोर बदस्तूर इस समय 8-2, खिलाड़ी आउट हुए हैं और ये दूसरा ओवर प्रगति पे है, स्कोर अभी भी ठहरा हुआ रुका हुआ 8-2। यहाँ मुर्तजा वॉरियर्स की टीम सलामी जोड़ी के तौर पे इशफाक शाह और बासित के रूप में आए थे, इशफाक शाह ने 8 रनों का योगदान दिया अपनी टीम को, और बासित अभी भी ना खेल रहे हैं नाबाद, हालांकि उन्होंने कोई भी रन अपने बल्ले से नहीं बनाया था। और उसके बाद वन डाउन पे मुर्तजा बाबा उनके कप्तान आए थे, उन्होंने भी निराश किया है, वो तंजीर का शिकार बने, उन्होंने भी कोई रन नहीं बनाया अपनी टीम के लिए। और हमारे व्यूवर्स ये लिख रहे हैं कि क्या ये टीम हावल श्रीनगर की टीम है, जी हाँ आपने बिल्कुल सही लिखा है, ये वही टीम है, बल्लेबाजी से उन्होंने थोड़ा सा हमें निराश किया था। हालांकि आबिद गुल ने अंतिम ओवरों में अपनी शॉट जरूर खेले थे, लेकिन अब ये वापसी किए हैं, ये दूसरा ओवर प्रगति पे हैं, 2 विकेट उन्होंने झटकाए हैं, और जहाँ पर यह हमेशा देखा जाता है एक बल्लेबाजी के तौर पर, जो एक साझेदारी, एक पार्टनरशिप जब बल्लेबाजों के सामने भी होती है, उसी तरह की पार्टनरशिप गेंदबाजों में भी होती है, पूरी तरह से यहाँ दिखाते हुए ये दो गेंदबाज, नहीं दोनों गेंदबाजों ने अब तक काफी कसी हुई गेंदबाजी की है। शुरुआत में अगर बात करें, आबिद गुल बल्लेबाज को खिला रहे थे, आगे ही गेंद डाल रहे थे, लेकिन आबिद गुल को पता था कि मेरे पास कौन सा हथियार है, वो गेंद को बाहर निकालने में माहिर रखते हैं, वही गेंद उन्होंने की आउट सिंगर गेंद, और बाहरी ऊपर मोटा वाला सिरा लगा था, गेंद गई थी पॉइंट की ओर, आसान सा कैच। तंजील एक मरतबा फिर इस गेंद को बैक फुट पे जाके पंच किया, वहां पर पॉइंट पे मौजूद है खिलाड़ी, इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। 2 ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर इस समय 8-2, खिलाड़ी आउट हुए हैं। लवली आबिद गुल, मुझे लगता है ये जो दो गेंदबाज है तंजील और आबिद गुल, ये चाहेंगे कम से कम, कप्तान भी चाहेंगे इनके 4 ओवर शुरू में ही किए जाए, ताकि जब तक आप विकेटें नहीं चटकाओगे तब तक इस मैच में बने रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर एक पार्टनरशिप यहाँ पे लगती है तो कम स्कोर है, उतना ज्यादा टोटल खड़ा नहीं किया है, केवल 123 रनों का लक्ष्य दिया है आपने इस टीम के सामने, तो मैं समझता हूँ ये उतना बड़ा टारगेट नहीं है, विकेट चटकाने से आप इस मैच में बने रहोगे। जी हाँ आपने बिल्कुल सही कहा है, अगर मुर्तजा वॉरियर्स को ये मैच जीतना है तो आबिद गुल के सामने उनको बड़े शॉट्स नहीं खेलने होंगे, जोखिम भरे शॉट्स नहीं खेलने होंगे। और ये लीजिए सकारात्मक सोच, 2 स्लिप के साथ इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं आबिद गुल, जैसा कि हम सभी जानते हैं ये आउट स्विंग कराने में क्षमता रखते हैं, काबिलियत उनके पास ज़रूर हैं, और यही आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, उन्होंने 2 स्लिप खड़े किए हैं, फर्स्ट स्लिप और दूसरी स्लिप भी तैनात की गई हैं, ऑफ साइड की फील्डिंग, गली, पॉइंट, कावा, मिड ऑन, ये ऑफ साइड की फील्डिंग है 2 स्लिप के अलावा, थर्ड मैन उन्होंने 30 गज दायरे के बाहर रखा है, और डीप स्क्वायर लेग भी 30 गज दायरे के बाहर आए, इस बहुत ही अच्छी गेंद एक रन से रोक नहीं पाएंगे, सहनशीलता के साथ उन्होंने रक्षात्मक तरीके से खेला, आगे आकर एक रन से रोक नहीं पाएंगे इस खिलाड़ी को।
बासित ने अभी तक दुग्ध गेंदों का सामना किया, एक रन बना के वो नाबाद हैं और जुबैर उसका साथ देते हुए जिन्होंने चार गेंदों का सामना किया, कोई भी रन अभी तक बनाने वो कामयाब नहीं हुए हैं। आबिद गुल अपने कोटे का दूसरा ओवर करने के लिए तैयार जरूर हैं रोड एंड से। बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी का परचम दिखा रहे हैं ये खिलाड़ी जाफर, मेरे विचार में बिल्कुल ठीक ठाक सही रणनीति। कुछ समय से ये देख रहे हैं कि ये जो खिलाड़ी हैं आबिद गुल के सामने बिल्कुल उसको सम्मान दे रहे हैं, थोड़ा सा समय बिताने की भी कोशिश हो रहे हैं, ये मेरे विचार में सही रणनीति। हाँ, ये बिल्कुल सही रणनीति है दोनों बल्लेबाजों की ओर। इस समय आबिद गुल आए और शॉर्ट गेंद थी, इसे वहां पर थर्ड मैन खिलाड़ी मौजूद है और देखना पड़ेगा कहीं तो वो बाउंड्री लाइन से पार तो नहीं चले गए हैं। ऐसा लगता है कि छह रनों का इशारा किया वहां पर, बड़ी अच्छी कोशिश की थी वहां पर थर्ड मैन के खिलाड़ी ने, लेकिन हाथ से छटकने के बाद गेंद बाउंड्री लाइन से पार चली गई छह रनों के लिए। और पहला दर्शनी स्ट्रोक यहां पर बल्लेबाज द्वारा, इन छह रनों के साथ स्कोर इस समय बढ़ता हुआ 16, दो खिलाड़ी आउट हुए हैं। आबिद गुल इस समय गेंदबाजी का मोर्चा संभाले हुए है। आबिद गुल एक हाथ से दूसरे हाथ को उछाल रहे हैं, तोड़ना शुरू किया गेंद की, यॉर्कर लेंथ की गेंद की, बड़ी अच्छी गेंद थी लेकिन आखिर मरने में इसको खेलने में कामयाब हुए बल्लेबाज। गेंद गई वहां पर मिड ऑफ की ओर, खिलाड़ी मौजूद, रन के लिए कोई नहीं। स्कोर बदस्तूर 16, दो खिलाड़ी आउट हुए हैं। इनिंग का दूसरे इनिंग का ये तीसरा ओवर है। इस समय 123 रनों का टारगेट दिया है एसीसी हवल की टीम ने। यहां पर देखना पड़ेगा अपोजिट वाली जो टीम है उनके पास भी काफी स्ट्रांग बैटिंग लाइनअप है, लेकिन देखना होगा इस समय दो खिलाड़ी शुरुआत में ही झटके लगे हैं, किस तरह का खेल यहां पर खेल सकते हैं आबिद गुल इस ओवर में। अगली बार आए गेंद की और इस गेंद को उठाया वहां पर दो खिलाड़ी के सर के ऊपर से, एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला वहां पर स्ट्रोक। दोनों खिलाड़ियों ने तेजी के साथ ये दो रन मुकम्मल किए। इन दो रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 18, दो खिलाड़ी आउट हुए हैं। इनिंग का तीसरा ओवर इस समय जारी। अगर बात करें दोनों खिलाड़ियों की अब रणनीति, मुझे लग रहा है काफी अच्छी अब बैटिंग हो रही है दोनों ऐड से, क्योंकि जानते हैं आबिद गुल को ज्यादा स्ट्रोक्स नहीं लेने हैं। ओवर का अख्ताम हुआ है, तीन ओवरों के अख्ताम के बाद स्कोर 18, दो खिलाड़ी आउट हुए। यही औसत दरकार भी है अगर बात करें बल्लेबाजी की, क्योंकि 123 रन 120 गेंदों पर ज्यादा कुछ। एक मरतबा फिर तंजील अपनी गेंदबाजी जारी रखेंगे, उनका सामना करेंगे बल्लेबाज। तीन ओवरों के अख्ताम के बाद स्कोर इस समय 18, दो खिलाड़ी आउट हुए, छह की औसत से अब तक रन बना रखे हैं। एक मर्तबा फिर तंजील इस ओवर में, पहली बार ये दूसरा ओवर है उनका, दूसरे इनिंग का चौथा ओवर शुरू होने वाला है। थोड़े से फील्ड को चेंज किया वहां पर, दो खिलाड़ी पर जो ऑन साइड पर सर्कल के अंदर है, एक स्क्वायर लेग और उसके अलावा एक फाइन लेग पर सर्कल के अंदर है। तंजील आए आगे आके इस गेंद को बड़े स्टाइलिश अंदाज के साथ बैटन पैड साथ में एक टप्पा खाने के बाद सीधी गई गेंद वापस बॉलर की जाने, इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। स्कोर बदस्तूर 18, दो खिलाड़ी आउट हुए हैं। इनिंग का चौथा ओवर इस समय शुरू हुआ है। तंजील इस समय गेंदबाज, तंजील ने दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया गेंद की, इस गेंद को खेलना चाहते थे, बल्ले का अंदरूनी सिरा लेके गई गेंद वहां पर वाइड लॉन्ग ऑन की जाने, एक रन का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 20, दो खिलाड़ी आउट हुए हैं। एक मर्तबा फिर तंजील इस ओवर में, अगली बार दौड़ना शुरू किया तंजील ने, आए गेंद की और गेंद पैड पे टकराई लेकिन अंपायर ने नकारा इस अपील को। ऐसा लगता था कि गेंद जो है लेग स्टंप से बाहर जा रही थी, यही वजह है कि गेंद इस अपील को मुस्तरद किया वहां पर अंपायर ने। स्कोर बदस्तूर 20, दो खिलाड़ी आउट हुए हैं। ये चौथा ओवर प्रगति पे हैं, 20 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। अगर आप मुर्तजा वॉरियर्स की बात करें तो एक अच्छी गेंदबाजी जरूर की है एसीसी हवल श्रीनगर की टीम ने, लेकिन देखना यही होगा कि आज जो
अन्यथा गेंदबाज उनके हैं, क्या वो विकेट लेने में कामयाब होंगे या नहीं? मुझे लग रहा है कि उनके सामने ये बड़ी चुनौती जरूर रखेंगे मुर्तजा वॉरियर्स की। अगर आप बात करें तो उनके खिलाड़ियों को अच्छी पारियां खेली होगी, तब जाके इस बार प्रयास फिर से किया था, गली के ऊपर से गेंद गई थी, उसको रोकना असंभव लग रहा है, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि कुछ देर तक ये गेंद हवा में जरूर थी, ऐसा हमने प्रयास किया था, शायद वो कैच लपकने में वो कामयाब नहीं हुए। अपनी दाई की ओर उन्होंने ड्राइव मारकर इस प्रयास जरूर किया था, लेकिन रोकने में असंभव, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। ये चौथा ओवर प्रगति पे है, 22 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, अब 98 गेंदों में 104 रन चाहिए मैच जीतने के लिए मुर्तजा वॉरियर्स को। बहुत ही खूबसूरत शॉट, जितनी तारीफ करे बहुत ही कम। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से सराहनीय शॉट जुबैर के बल्ले से, वो 11 गेंदों में 14 पे पहुंच चुके हैं, जहां पर अगर आप इस तरह के शॉट्स खेलते हैं, मुझे लग रहा है कि उनकी ताकत ऑफ साइड के इलाके वो किंग है शायद। नहीं, टेक्निकली बड़े साउंड बैट्समैन लग रहे हैं, जिस तरह के शॉट उन्हें दिखाया यहाँ पर। एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेलना बहुत मुश्किल होता है, ये स्ट्रोक लगता है देखने में आसान लेकिन खेलना बहुत मुश्किल है। आउटस्टैंडिंग शॉट था ये, एक मर्तबा फिर तंजी आए, गेंद को आगे कर रहे हैं। अगर इस तरह की गेंदबाजी आप करोगे कहां पर खींचने वाले हैं बल्लेबाज, एक मर्तबा फिर पॉइंट और कवर के बीच में से प्लेस कर दिया 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ स्कोर इस समय बढ़ता हुआ तेजी के साथ देखना पड़ेगा, 32 खिलाड़ी आउट हुए 4 ओवर के एकथाम के बाद। ये ओवर अगर बात करें लवली, काफी महंगा ओवर घटा है, इस ओवर में तकरीबन 3 चौके आए हैं और तीनों के तीनों एक बल्लेबाज खूंखार बल्लेबाज के शॉट निकले हैं, और गेंदबाजी में ऐसा लगता है कि पहले परिवर्तन देखने को मिल रही है। जहां गेंदबाजी में भी अब पहला परिवर्तन देखने को मिलता हुआ, लेजेंडरी खिलाड़ी को अब गेंदबाजी की कमान उनको सौंप दी गई है, शायद एक स्पिन आक्रमण के तौर पे वो आजमाना चाहते हैं उनके सामने। आसिफ को गेंदबाजी की कमान उन्होंने अब सौंपी है, शायद उनके जो कप्तान हैं वो विकेट की तलाश में यहाँ जरूर हैं, और इसलिए आप देख रहे हैं कि आबिद गुल को अब 2 ही ओवर करा दिए गए यहाँ, 2 ओवर शायद वो अंत में रखना चाहेंगे। अगर खेल काफ़ी आगे पहुंचा तो आबिद गुल उस समय भी कारगर सिद्ध जरूर हो सकते हैं। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 30-2 मुर्तजा वॉरियर्स की टीम। कीपर जो हैं वो अब बिल्कुल स्टमस के आगे बैठे हैं, वो ये देखना चाहते हैं कि कब बल्लेबाज का पांव हवा में उड़ जाए, मैं पीछे से काम तमाम करूं। बासित और जुबैर इस समय मैदान के अंदर हैं, अभी तक जितना भी उन्होंने खेला है बहुत ही खूबसूरत लगे हैं, खास तौर से अगर आप बासित की बात करें, 12 गेंदों का उन्होंने सामना किया, 18 रन बना के वो नाबाद हैं। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद की, हल्के कदम के साथ देहरा फेंक रहे हैं, शायद जहाँ पर उनको ये एहसास है कि जितना मैं गेंद को धीरे कर पाऊँगा, जो ताकत का उपयोग करना चाहेंगे वो फिर बल्लेबाज को ही करना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल सही है, फ्लाइट कर रहे हैं गेंदबाजी और यही ललचा रहे बल्लेबाज को किसी ना किसी तरह क्रीज से बाहर आए ताकि एक मौका बन जाए विकेट कीपर इसे आउट करने का। बिल्कुल फ्लाइट कर रहे हैं गेंद को, एक मरतबा फिर आसिफ छोटे रन अप के साथ इस गेंद को बड़े स्टाइलिश अंदाज के साथ खेला, गेंद गई थी एक्स्ट्रा कवर की ओर, वहां पर खिलाड़ी मौजूद, दोनों बल्लेबाजों ने तेजी के साथ ये रन मुकम्मल किया, काफी अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट अगर दोनों बल्लेबाजों की बात करें अब तक, और सही सोच के साथ भी ये दोनों बल्लेबाज आए, क्योंकि अगर हम देखें तो शुरुआत के 2 झटके केवल 16 रन पे गए थे, उसके बाद एक अच्छी रफाकत शुरू हुई है दो बल्लेबाजों की, अब तक तकरीबन 18 से 19 रनों की रफाकत हुई है दो बल्लेबाजों के दरमियान, और अहम रफाकत उस समय यह रफाकत बनी है जबकि शुरुआत में 2 झटके लगे थे। आसिफ स्पिन आक्रमण पहली बार आए और बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, वहां पर खुशकिस्मत रहे कि गेंद वहां पर खिलाड़ी के पास नहीं पहुंची, अन्यथा एक जीवनदान वहां पर हो सकता है, लेकिन एक बाउंस के बाद खिलाड़ी के पास गेंद पहुंची, एक मर्तबा फिर आसिफ
आए गेंद की शॉट गेंद थी, एक मरतबा फिर एक बाउंस के बाद वहां पर जो कि थर्ड मैन है शॉट थर्ड मैन उसे रखा जा रहा है वहां पर उसके पास जा रहे हैं। लगातार अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं आसिफ, बल्लेबाज को कह रहे हैं कि आप क्रीज छोड़ के बाहर आइए शॉट खेले, देखना पड़ेगा इसमें बल्लेबाज क्या कामयाब हो पाते कि नहीं। एक मरतबा फिर इस गेंद को बैकफुट पे जाके हल्का सा पंच किया जब तक वहां पर गली के खिलाड़ी आते, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर इस समय बराबर 32, दो खिलाड़ी आउट हुए हैं। एक मरतबा फिर आसिफ इस ओवर में अगली बार आए गेंद की फ्लाइट गेंद थी, इस गेंद को उठा दिया एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। गेंद दननादी हुई बॉर्डरलाइन से पार 4 रनों के लिए। बहुत ही आत्मविश्वास वाला स्ट्रोक इस बल्लेबाज के बैट से निकलता हुआ लगता है, लवली चौथा चौका है। जी हाँ, बहुत ही आतिशी बल्लेबाजी, खास तौर से जुबैर की अगर आप बात करें, खूबसूरत शॉट्स उन्होंने जरूर लगाए हैं, टाइमिंग पे थोड़ा सा वो ध्यान रहे हैं। अभी तक सारे शॉट्स उन्होंने एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से ही लगाए हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि उनके जो कप्तान हैं उन्होंने किस तरह की फील्डिंग वहाँ सजाई है उनके लिए। अब एंड चेंज करा रहे हैं शायद, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 36-2 मुर्तजा वॉरियर्स की टीम दूसरे छोर से भी अब परिवर्तन देखने को मिलता हुआ, यानी कि दोनों छोर से अब स्पिन आक्रमण, पिछला ओवर जो दागा था स्पिनर ने जाफर भाई, मुझे लग रहा है कि उन्होंने ठीक ठाक गेंदबाजी की। अगर आप अन्यथा अंतिम गेंद को छोड़ के देखेंगे हर तरह का उन्होंने प्रयास किया था, कुछ कड़े सवाल जरूर उन्होंने पूछे थे बल्लेबाज से, लेकिन मुझे लग रहा है कि फील्ड वो सही तरह से रख नहीं पा रहे हैं। शायद यही एक कारण है कि अभी तक जुबैर अपने स्ट्रोक्स खेलने में अभी तक कामयाब हुए हैं। सही शब्दों का इस्तेमाल किया लवली आपने, मैं समझता हूं अगर आपके पास स्पिन है वो भी पावर प्ले में लाना है, कम से कम दो खिलाड़ी को आप जिनको रखना है बार वो रखिए, एक तो लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, इन दो के साथ आप गेंदबाजी करें ताकि बल्लेबाज जो है वो खुद गलती करे, अक्रॉस द लाइन खेले उसमें ज़्यादा चांस है आउट होने के। मिड विकेट आप अंदर रखे, उसमें बल्लेबाज लालच में आता कि मैं अक्रॉस द लाइन जाऊँ, वहाँ पर विकेट होने के चांस ज़्यादा होते। वो काफ़ी रही थी पड़ने के बाद ये नीचे गेंद लवली, लगता है कि जिस तरह की गेंदबाज है मुझे नहीं लगता है कि स्पिन गेंदबाज है ये, और रनअप भले ही इनका काम है लेकिन जिस तरह की गेंद निकली थी काफ़ी तेज़ निकली थी, जिस तरह के पाकिस्तान के शाहिद आफरीदी 108-109 के आसपास रफ्तार थी इस गेंद में। एक मरतबा फिर आए, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी यहाँ पर, नहीं मुझे नहीं लगता है कि ये कोई स्पिन आक्रमण है, ये खतरनाक गेंदबाज साबित हो सकता है यहाँ पर। यही तो आप अपने स्क्रीन पे भी देख रहे हैं कि थोड़ा सा मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं बल्लेबाज। अगर आप बासित की बात करें, उन्होंने 8 गेंदों का सामना किया, अभी तक उन्होंने केवल 3 रन बनाए हैं अपनी टीम के लिए। ये जो गेंदबाज अपने स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं, एक तो ये अनुभवी खिलाड़ी उनकी टीम में है, शौकत की हम बातचीत कर रहे हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत गेंद, इस बार किनारा ज़रूर लगा था, बाहरी किनारा लगा था, लेकिन वहाँ थर्ड मैन पे उन्होंने खिलाड़ी को तैनात किया है, उस कारण से एक रन से रोक नहीं पाएंगे। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37-2 यहाँ मुर्तजा वॉरियर्स की टीम। लेकिन अगर उनको इस मैच में वापसी करनी है, इस मैच को एक अच्छे मुकाम पे खड़ा करना है, तो यहाँ 1-2 विकेट चटकाने होंगे, अन्यथा ये मैच समाप्त वो कर पाएंगे अपने खेल से। ये चले शौकत गोल्डन एंड से, इस बार बहुत ही खूबसूरत गेंद, वहाँ दायरे में खिलाड़ी बहुत ही चतुर मौजूद है, उस कारण से रन नहीं मिलेगा वहाँ। ये अभी तक बहुत ही किफ़ायती ओवर ये साबित हुआ है, शौकत अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे हैं, अभी तक एक ही रन उन्होंने ज़रूर दिया है। इस बार एक बार फिर किनारा ज़रूर लगा था, कीपर ने वहां प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन मुझे लग रहा है जाफर इस तरह के कैच छुपकते हैं, लपके नहीं जा सकते। नहीं, ये कभी कभार हाथ में आते हैं, ये कैच लेना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब बल्ले से टकराई थी ऊपर से गेंद जो थी काफ़ी तेज़ थी और नीचे वाला छोटा सा किनारा लग के गई थी विकेट कीपर की जानब, लेकिन ज़मीन से चिपक नहीं थी गेंद वहाँ पर, तो विकेट कीपर ने भरपूर प्रयास किया था लेकिन उनके हाथ में आई नहीं। बहरहाल एक अच्छा ओवर मुकम्मल यहाँ पर हुआ है, ऐसा लगता है कि आसिफ जो है दूसरे एंड से आप गेंदबाजी करेंगे, उनका एंड चेंज किया, आप गॉर्डन एंड से गेंदबाजी का मोर्चा संभालेंगे।
स्कोर इस समय 37, दो खिलाड़ी आउट हुए हैं मुर्तजा वायरस की अगर बात करें हम। आसिफ थोड़े से फील्ड को तरतीब दे रहे हैं, आसिफ आसिफाए गेंद पैड पे थी, इस गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया, वहां पर मिड विकेट काफी दूर है लेकिन तेजी के साथ वो गेंद पे, जबकि तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास मौका था एक रन का। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 38, दो खिलाड़ी आउट हुए हैं, यानी कि अगर बात करें दोनों खिलाड़ियों के बीच अब तक 22 रनों की रफाकत हुई है। आए इस गेंद को कट करने गए थे, काफी नीची रही थी पड़ने के बाद ये गेंद, वहां पर पूरी तरह से चूके बल्लेबाज। स्कोर इस समय 38, दो खिलाड़ी आउट हुए हैं मुर्तजा वायरस की अगर बात करें। बहुत अच्छी गेंदबाजी यहां पर, बल्लेबाज को यह चाह रहा है कि खींच के बाहर निकाला जाए ताकि एक अवसर मिल जाए लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, यही वजह है कि उनको सर्कल से बाहर किया है कप्तान ने। एक योजना अनुसार अभी तक गेंदबाजी हो रही है, ज्यादा हाथ खोलने का उनको मौका नहीं दे रहे हैं और ये एक अच्छे संकेत हैं एसीसी हाउस श्रीनगर की ओर से। दोनों छोर से उन्होंने स्पिन आक्रमण को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, उनसे वो अपेक्षा यही करते हैं कि एक विकेट निकाल के दे अपनी टीम को ताकि दबाव जो है वह उनके ऊपर लाया जाए। इस बार फाइनल के क्षेत्र में खेला, वहां रन बनाने का कोई भी अवसर नहीं है क्योंकि खिलाड़ी वहां मौजूद हैं। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं, थोड़ा सा समय से हम देख रहे हैं कि आप दबाव में जरूर हैं मुर्तजा वॉरियर्स की टीम। और ये देखिए फील्डिंग में अब बदलाव किया जा रहा है, फाइन लेग जो है उसको 30 गज दायरे के बाहर रखा है। इस बार फ्लाइटेड गेंद, ऊंचा लॉफ्टेड स्ट्रोक, खिलाड़ी उसके नीचे हैं, प्रयास उन्होंने अच्छा किया लेकिन रोकने में असफल, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। बहुत ही खूबसूरत शॉट, एक निमंत्रण जरूर दिया था उनको जाफर, एक दावत दी गई आप शॉट खेले, उसको यहां स्वीकारते हुए और महत्वपूर्ण बात रन जोड़ते हुए टीम के लिए। बहुत ही अहम रन है अगर बात करें मुर्तजा वारिस की, क्योंकि दोनों बल्लेबाज जो है इस समय काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। शुरुआत के दो झटके जल्दी ही लगे थे, 7 ओवरों के एकथाम के बाद स्कोर इस समय 43, दो खिलाड़ी आउट हुए हैं। अगर बात करें मुर्तजा वायरस की, दोनों बल्लेबाज काफी अच्छा इस समय खेल रहे हैं, देखना पड़ेगा स्पिन आक्रमण इस समय जारी। थोड़ा सा खेल रुका हुआ है, आप देख रहे हो हमारे साइड स्क्रीन सामने, इसकी वजह यह है कि बल्लेबाज जो है उनका बल्ला शायद चेंज करना चाहते हैं, वहां पर कुछ रणनीति भी कही होगी वहां पर खिलाड़ी से कि किस सोच के साथ आप बल्लेबाजी करें। रन जो है वो आ रहे हैं अब, ये अच्छे संकेत नहीं है अगर बात करें इसी सिहावल के लिए, उनके कप्तान ये चाह रहे हैं कि जल्द जल्द इस टीम को ऑल आउट किया जाए। आए और बहुत शानदार गेंद और विकेट कीपर से भी चूक हुई वहां पर, जहां पर रन बनना नहीं चाहता वहां पर विकेट कीपर से एक एक्स्ट्रा कर रन बाई की सूरत में यह रन मिलता हुआ। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44, दो खिलाड़ी आउट हुए अगर बात करें मुर्तजा वारिस की। अगर बात करें हम यहां पर दोनों बल्लेबाज काफी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं इस समय, एक मरतबा फिर आए और बल्ले का भारी किनारा, वहां पर कोशिश की थी वहां पर लेकिन गेंद गई थर्ड मैन की ओर, गली के खिलाड़ी ने भरपूर कोशिश की थी गेंद रोकने की लेकिन थर्ड मैन बैकअप कर रहा था। बहरहाल एक रन का मौका, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 44, दो खिलाड़ी आउट हुए मुर्तजा। जीवन दान एक मरतबा फिर दिया है बल्लेबाज को, अगर आप इस तरह के कैच छोड़ पाओगे तो मैच में कहां रहोगे। और उस बल्लेबाज का आपने कैच छोड़ा जो पहले से ही खूंखार बल्लेबाज है, अब तक 4 बाउंड्रिया लगा चुके हैं, इस तरह की फील्डिंग अब देख रहा हूं मैं। देखिए ये तो फर्क है, आबिद गुल जा रहा है खुद वहां पर आप फील्डिंग करने के लिए। लवली क्या लगता है इस कैच से, आपको क्या लगता है कि मैच कहीं निकल ना जाए वहां पर, अगर बात करें इस हावल की? अगर आप इस तरह के कैच छोड़ते हैं ना तो आपकी टीम में दिक्कतें हमेशा नजर आ रही हैं और ये उतने मुश्किल कैचेस नहीं है, ये काफ़ी आसान कैचेस हैं इस स्तर पे और ये लेना चाहेंगे। इस बार डीप पॉइंट पे उन्होंने खिलाड़ी ज़रूर तैनात किया गया है, उस कारण से एक रन से रोक नहीं पाएंगे वहाँ।
इस एक रन के साथ 48 रन बोर्ड पे, ये आठवां ओवर प्रगति पे हैं। गेंदबाजी इस समय शौकत कर रहे हैं जो अपने कोटे का दूसरा ओवर करते नजर आ रहे हैं। उन्होंने अभी तक 5 रन जरूर दिए हैं। विकेट कीपिंग की जो भूमिका इस समय निभाते हैं जहाँ पर एक युवा खिलाड़ी है, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि 14-15 साल का ये खिलाड़ी होगा, लेकिन बहुत अच्छा कार्य जरूर कर रहे हैं अपनी टीम के लिए। और ये देख के अच्छा लगता है जब हमारे जेएनके के युवा खिलाड़ी कुछ अच्छा कार्य कर रहे हैं। वो देख, इस बार गलती कर बैठे, वहाँ कीपर से भी वहाँ चूक जरूर हुए हैं, बाई के रूप में रन जरूर मिलेगा। इस एक रन के साथ 49 रन बोर्ड पे, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 49 रन बोर्ड पे। हमारे साथ सहयोगी कॉमेंटेटर जाफर भाई, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। जाफर भाई, आप इन सिचुएशनों में हमेशा होते रहते हैं, एक कप्तान के तौर पे भी, एक कप्तान यहाँ से क्या सोचता है जब विकेट की वो तलाश में है, विकेट नहीं मिलती हैं और कैचेस भी छूटते नजर आ रहे हैं, कप्तान के मन में कौन से सवाल होते हैं? अगर इस तरह की पोजीशन हो कि फील्डर कैच ना पकड़े तो कप्तान पे मजीद दबाव आ जाता है। वो सोचता है करूँ किस गेंदबाज से गेंदबाजी कराऊँ, वो मैन गेंदबाज से गेंदबाजी कराएगा तो फील्डर का तो साथ देना है, तब जाके मैच बन सकता है। अगर यहाँ पर एसी से हवल की बात करें, अब तक 2 आसान से कैच उन्होंने ड्रॉप किए, यही वजह है कि बोर्ड पे केवल, अभी अगर बात करें मुर्तजा वायरस की, केवल 2 विकेटें गिरी है। अन्यथा अगर 2 कैच वो वहाँ पर लेते तो इस समय कुछ और स्थिति होती, मैं समझता 4-5 विकेटें निकलती होती। लेकिन कैच, कहते हैं ना कैच तभी लेना जाता जब विन द मैच, आपने कैच छोड़े तो ये गलती की है, देख इसका खमेजा अब उन्हें भुगतना पड़ रहा है। गेंदबाजी में एक मरतबा फिर स्पिन आक्रमण, आसिफ अपनी गेंदबाजी कंटिन्यू जारी रखेंगे, उसका ये 3रा ओवर होगा और पहले इनिंग का ये 10वां ओवर। आसिफ आए, गेंद पैड पे थी, इस गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया वहां पर मिड विकेट की ओर, खिलाड़ी वहां पर डीप में मौजूद है। एक रन का मौका इस एक रन के साथ इस समय, अगर बात करें मुर्तजा वायरस की, उनका स्कोर 50, 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। अच्छी बैटिंग कर रहे हैं अब तक ये 2 बल्लेबाज, तकरीबन 36 रनों की रफाकत हुई है इन दोनों बल्लेबाजों के बीच। आए, इस गेंद को हल्के हाथों से वापस खेला बॉलर की जानिब, इस गेंद पर कोई रन नहीं मिला। स्कोर बदस्तूर इस समय 50, 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। मोहम्मद आसिफ आए, गेंद की शॉर्ट गेंद, इस गेंद को डिफ्लेक्ट कर दिया एक मरतबा मिड विकेट की ओर, डीप मिड विकेट का खिलाड़ी मौजूद। एक रन का मौका, इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 51, 2 खिलाड़ी आउट हुए हैं। जिस तरह की यहाँ बल्लेबाजी हो रहे हैं मुर्तजा वॉरियर्स की, अगर आप बात करें तो उनके कप्तान बहुत ही खुश होंगे इस बल्लेबाजी से, क्योंकि उनको इसी तरह से खेलना है, वो आराम से इस मैच को जीत सकते हैं। और अगर आप बात करें एसीसी हावल श्रीनगर की जो टीम है, जितने देर तक ये खिलाड़ी खड़े रहेंगे मैदान के अंदर, आहिस्ता आहिस्ता दबाव वो फील जरूर करेंगे। इस बार फ्लाइटेड गेंद थी, ऑन साइड की ओर से डकेला, जब तक कि डीप मिड विकेट का खिलाड़ी फील्ड कर पाते, एक रन से रोक नहीं पाएंगे वहाँ। कुल मिला के एक अच्छी साझेदारी यहाँ ज़रूर पनप रही है। 45 गेंदों में 45 रन बनाए हैं, जहाँ पर हम हमेशा कहते हैं कि ये खेल साझेदारियों का है, लेकिन इन खिलाड़ियों ने ये ज़रूर दिखाया है अपने प्रदर्शन से। 125 रन एसीसी हवल ने बनाए थे, 126 रन जीतने के लिए करने थे उनको। इस बार डीप स्क्वायर लेग की जानिब से खेला, जब तक उसको फील्डिंग की जाए, एक रन से रोक नहीं पाएंगे वहाँ। नौ ओवर की समाप्ति के बाद 54-2, अब 67 गेंदों में 72 रन चाहिए मैच जीतने के लिए मुर्तजा वॉरियर्स को। दोनों गेंदबाजों ने अभी तक जो गेंदबाजी की है, कुछ हद तक उन्होंने ज़रूर अच्छे प्रश्न ज़रूर पूछे थे बल्लेबाजों के सामने, लेकिन उन्होंने सम्मान दिया है। अगर आप आसिफ की बात करें, उन्होंने 3 ओवरों में 17 रन दिए हैं, 17 रन दिए हैं, और उसका साथ उसके दूसरे छोर से जो गेंदबाजी कर रहे थे शौकत, उन्होंने 2 ओवरों में 5 रन दिए हैं अपनी टीम, अपनी ओवरों में।
शायद गेंदबाजी में अब परिवर्तन किया जा रहा है, विकेट की तलाश में है और वो भी जल्दी। अगर वो विकेट लेने में कामयाब होंगे तो यहाँ कुछ हो सकता है, कि ऐसा ना हो बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन चाह रहे हैं, ये कैचिंग पोजीशन पे डीप पॉइंट का खिलाड़ी है, डीप स्वीपर कवर पे एक खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, लॉन्ग ऑन पे खिलाड़ी तैनात है, मिड विकेट पे, डीप मिड विकेट पे। इस बार उठाने का वहां प्रयास जरूर किया था, कीपर से भी वहां चूक जरूर हुई थी, बाई और बाई के रूप में और वाइड के रूप में तीन रन जरूर मिले हैं। मुझे आहिस्ता आहिस्ता जाफर भाई ये लग रहा है कि मुर्तजा वॉरियर्स के जो खिलाड़ी हैं उनकी आंखें पूरी तरह से जम चुकी हैं, वो शायद वो यहाँ को ये एहसास हो रहा है कि हम जीत के बहुत ज़्यादा करीब हैं। लवली, ये बात तो सही है, जिस तरह के गेंदबाज लाए गए, अब मुझे लगता है कि प्रॉपर स्पिनर से ही अब गेंदबाजी, शायद ये ऑफ ब्रेक गेंदबाज है। हाँ, और ये गेंद एक मरतबा फिर दिशाएं गेंदबाजी, वहां पर काफी मशक्कत करनी पड़ती है, फाइनल के खिलाड़ी को दौड़ रहे हैं उसकी गेंद के पीछे, और दोनों बल्लेबाजों के पास दो रन का मौका और वाइड का भी इशारा, कुल मिलाकर तीन रन मिलेंगे इस गेंद पर। ये रन काफी महंगे साबित हो सकते हैं अगर बात करें एसीसी हवल की। काफी दिशाएं गेंदबाजी अब तक की, दोनों गेंदें लेग साइड से बाहर की है, एक मरतबा फिर इस ओवर में आए, अच्छी गेंद थी, इस मरतबा अंदर की तरफ लाए थे गेंद को, हल्के हाथों से खेला इसको ऑन साइड की जानब, जब तक विकेट कीपर खुद जाते, एक रन का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर इस समय बढ़ता हुआ 57, दो खिलाड़ी आउट हुए हैं। एक मरतबा फिर छोटे कदमों के साथ आए, इस गेंद को हल्के हाथों से खेला, वहां पर खिलाड़ी मौजूद है पॉइंट के, रन की कोई गुंजाइश नहीं, स्कोर बदस्तूर 57। अगर यहां पर विकेट यहां पर लेनी होगी एसीसी हावल को, तब भी वापसी कर पाते हैं, वरना अगर दो चार ओवर तक ये खेल गए तो ये आसानी के साथ अगर बात करें। और इस गेंद को खेला वहां पर, बॉलर से मिस फील्डिंग हुई है, एक आसान सी गेंद भी रुकी नहीं वहां पर खिलाड़ी बॉलर से, बहरहाल लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी गए उसके नीचे और एक रन का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 58, दो खिलाड़ी आउट हुए हैं, इनिंग का 10वां ओवर इस समय जारी है। हाँ, और हवा में गेंद है, लेकिन ऐसा लगता है कि खिलाड़ी वहां पर नीचे है, और एक आसान सा कैच, मैंने पहले कहा था लवली ये गेंदबाज जो है बहुत ही वृषण के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, थोड़ी सी गेंद को फ्लाइट कर रहे हैं, और वो भी उस तरह की फ्लाइट की, अगर आप हवा में गेंद को छोड़ दोगे तो ये काफी कामयाब होता है ये गेंदबाज, अक्सर मैंने देखा है। और काफी समय के बाद अंत में विकेट लेने में कामयाब हुए हैं उमर, जैसा मेरे सहयोगी कमेंटेटर आपको ये बता रहे थे, इस गेंदबाज के पास ऐसी कला है विकेट लेने की, और अंत में उन्होंने एक विकेट जरूर दिलाई है अपनी टीम के लिए। और एसीसी हवल की अगर आप बात करें तो वो इस समय मैदान में इस समय बातचीत कर रहे हैं आपस में कि यहाँ से वो किस तरह का प्रदर्शन कर पाएंगे, ये देखना होगा। लेकिन एक बड़ी विकेट जाल में जुबैर, जिन्होंने 29 गेंदों का सामना किया, 29 रन बना के वो वापस जा रहे हैं, जो उम्र का शिकार बने। जुबैर के आउट होने के बाद अब अजहर अहमद मैदान के अंदर आए हैं, दाएं हाथ के ये खिलाड़ी, देखना यही होगा कि यहाँ से इस खेल को वो कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर हमारी निगाहें जरूर रहती है। दो खिलाड़ी इस समय आपस में बातचीत कर रहे हैं, हवल के जो खिलाड़ी हैं श्रीनगर हवल के, वो इस समय हडल बनाए रखे हैं उन्होंने मैदान के अंदर, लगातार आपस में वो बातचीत भी कर रहे हैं। 62 गेंदों में 64 रन चाहिए मैच जीतने के लिए मुर्तजा वॉरियर्स को, उतना मुश्किल नहीं अगर आप T20 फॉर्मेट के लिहाज से देखें। करंट रन रेट जो हैं वो उनकी 6.41 की हैं, और जो उनको रुकावट जो उनको चाहिए वो 6.19 की हैं, तो T20 के लिहाज से उतना मुश्किल हम नहीं कह सकते इस मैच को। 62 पे तीर हैं मुर्तजा वॉरियर्स की टीम,
बिलाल हबीब का आना बाकी है। वो एक अच्छे ऑलराउंडर ज़रूर हैं। आज जिस तरह की गेंदबाजी उन्होंने की है, सभी को प्रभावित उन्होंने ज़रूर किया है। उन्होंने चार गेंदों में, चार ओवरों में चार विकेट झटकाई हैं, और वो तब जब उनकी टीम को सख्त ज़रूरत थी, सख्त आवश्यकता थी। और जय, अगर हम कीपर की बात करें, जो विकेट कीपर की भूमिका इस समय निभाते हैं, उन्होंने मुझे तो काफ़ी प्रभावित किया है। 3 नंबर की जर्सी में वो आपके स्क्रीन के सामने ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। एक युवा खिलाड़ी से इस तरह की कार्य अगर वो करते हैं तो निश्चित तौर पे उनकी सराहना होनी चाहिए। जहाँ पर आप सुबह से देख रहे हैं इस मैच को, विकेट कीपर की हम बातचीत करें, एक अच्छा युवा खिलाड़ी वो ज़रूर लग रहे हैं इस टीम में। ये बात तो सही है लवली, काफ़ी यंग क्रिकेटर अगर बात करें एसीसी हवल की, सबसे छोटे खिलाड़ी आई है और इस गेंद को खेला है। वहाँ पर खिलाड़ी मौजूद है, देखना पड़ेगा, कोशिश की थी भरपूर लेकिन उनके पास कोई मौका नहीं। उनके ऊपर से गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए, तो पहली गेंद पर आते ही छक्का लगाना एक बल्लेबाज के दुनिया में ये एक सबसे बड़ी बात है। अगर आप इस तरह के शॉट जानते हो, बड़े बड़े लंबे स्ट्रोक, इन 6 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 68, 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं। मुर्तजा वारिस का स्कोर इस समय, फुल टॉस बना के इस गेंद को खेला है, 2 रन की कॉल किया वहां पर, लेकिन ये देखते हो कि 2 खिलाड़ी गेंद पे जबके हैं, मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल 1 रन का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 69 रन, माफ कीजिएगा, 3 खिलाड़ी आउट हुए। अगर मुर्तजा वारिस की बात करें, धारा 10 ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर 69, यानी कि तकरीबन 7 के आसपास रन इस समय बना रही है मुर्तजा वारिस की टीम। 69 रन बोर्ड पे लगे हैं, 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं और एंड ऐसा लगता है कि चेंज किया है वहां पर गेंदबाज से। एक मरतबा फिर स्पिन आक्रमण, विकेटें चटकानी होगी अगर एसीसी की टीम को इस मैच में बने रहना है। जी हाँ, एक ही रास्ता है इस मैच में वापसी करने का। अगर आप एसीसी हवल श्रीनगर की बात करें तो यहाँ विकेटें चटकाने होंगे और उसी प्रयास में ये ज़रूर हैं। आसिफ को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो रोड एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद थी लेकिन उसको डिफ्लेक्ट किया था ऑन साइड के क्षेत्र में, डीप पॉइंट, डीप मिड विकेट पे। जब तक उसको फील्ड कर पाते, 1 रन से रोक नहीं पाएंगे वहाँ। इस 1 रन के साथ 70 रन बोर्ड पे, ये 11वां ओवर प्रगति पे हैं, 3 खिलाड़ी के नुकसान पे। इस बार बहुत खराब गेंद, उसको सही नसीहत देते हुए फाइन लेग के ऊपर से खेला गया शॉट, वहाँ पे कोई खिलाड़ी तैनात नहीं था। गेंद नहीं रुकेगी, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। इन 4 रनों के साथ अब 75 रन बोर्ड पे। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता जीत की जो महक है वो आने लगी है मुर्तजा वॉरियर्स को, और कितनी सहनशीलता के साथ वो बल्लेबाजी कर रहे हैं, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे हैं जहाँ पर एसीसी श्रीनगर को इस मैच में वापसी करने का। और ये एक उच्च स्तरीय क्रिकेट, बहुत ही शानदार बैटिंग। देखिए, पिछली गेंद को एक चौका लगा था, इस गेंद को आराम के साथ डिफ्लेक्ट कर दिया जब तक वहां पर एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी आते। 1 रन का मौका, ये अच्छी बैटिंग, दोनों सेंसिबल बैटिंग कर रहे हैं इस समय, और ये अच्छे संकेत है अगर बात करें वहां पर मुर्तजा वारिस की। बहुत अच्छी गेंद, इस मरतबा कट करने गए थे, लेट कट के अंदाज में खेलना चाहते थे, वहां पर बल्लेबाज पूरी तरह से चूके। एक मरतबा फिर आए, गेंद थी शॉर्ट गेंद थी, काफी समय दिया बल्लेबाज को, इसको कट कर दिया, वहां पर डीप पे मौजूद है पॉइंट के खिलाड़ी। 1 रन का मौका, इस 1 रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 77। एक एक रन से अगर बात करें यहां पर एसीसी हवल की, तो काफी प्रेशर उन पे आएगा क्योंकि रन उतने बोर्ड पे ज्यादा नहीं है। ओवर का इख्तिताम हुआ है, 11 ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर 76-3। लवली, अगर इसी तरह से ये बैटिंग करते हैं तो मैं समझता हूँ आसानी के साथ यहाँ पर मुर्तजा वारिस की टीम इस मैच को जीत पाएगी। जी हाँ, जाफर आपने बिल्कुल सही शब्दों का वहाँ इस्तेमाल किया है।
T20 के आंकड़े के हिसाब से ये मैच उतना मुश्किल नहीं है उनके लिए। और ख़ास तौर से अगर आपको रिक्वायर्ड रन रेट की अगर आप बात करें तो 5.56 के प्रति ओवर के हिसाब से उनको रन बनाने हैं मैच जीतने के लिए, तो उतना मुश्किल नहीं है उनके लिए। लेकिन देखना ही होगा क्या वो ये समय बिता सकते हैं मैदान के अंदर, ये देखना होगा। जुनेद नेहरू, शेख जुनेदुल इस्लाम को अब गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई हैं, जो 21 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं। अजहर अहमद और बासित इस समय मैदान के अंदर हैं। अजहर अहमद स्ट्राइक पे हैं, जिन्होंने 5 गेंदों का सामना किया है, 9 रन बना के वो नाबाद हैं, 1 छक्का उसमें मौजूद जरूर हैं। बासित की अगर आप बात करें, उन्होंने 24 गेंदों का सामना किया है, 19 रन बना के वो नाबाद हैं, जिसमें 2 चौके मौजूद हैं। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है, उम्मीद ही है कि वो अपनी टीम को विकेट यहाँ जरूर दिलाएं अपनी टीम के लिए। इस बार खराब गेंद थी, उसको सही नसीहत देते हुए खिलाड़ी उनके पीछे दौड़ रहे हैं। मिड विकेट पे खिलाड़ी तैनात हैं, जब तक कि वो फील्ड कर पाते 2 रन से रोक नहीं पाएंगे। इन 2 रनों के साथ 78 रन बोर्ड पे, अब 53 गेंदों में 48 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। आज सुबह टॉस जीता था ACC हवल श्रीनगर ने, उनके कप्तान ने बैट का फैसला किया, बल्लेबाजी करने का उन्होंने फैसला जरूर किया था। इस बार बहुत ही खूबसूरत गेंद, लेकिन उतना ही बढ़िया शॉट, लेकिन 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। वहाँ डीप स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी उन्होंने तैनात किया है, उस कारण से 1 ही रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 79 रन बोर्ड पे, 79 रन बोर्ड पे ये 12वां ओवर प्रगति पे हैं। बासित और अजहर अहमद इस समय बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी करते नजर आ रहे हैं। अब वो अपना ट्रंप कार्ड जो है वो आजमाने जा रहे हैं। शेख जुनैदुल इस्लाम गेंदबाजी कर रहे हैं गॉर्डन एंड से, बहुत ही खूबसूरत शॉट, वहाँ पे गली पे मौजूद था 30 गज दायरे के अंदर खिलाड़ी। हालांकि वो दौड़ना चाहते थे 1 रन के लिए, वो ज़रूर दौड़ना चाहते थे, लेकिन अंतिम क्षण में उनको नकारा, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं। बासित स्ट्राइक पे हैं, जिन्होंने 19 रन बनाए हैं अभी तक अपनी टीम के लिए, थोड़ी सी दुविधा नजर आ रही है बल्लेबाजी के सामने। और ये आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे जो खिलाड़ी थे वो उनके साथ गए हैं बातचीत कर रहे हैं, उन्होंने उनसे हाथ से ये दर्शाया कि मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, खेलने के लिए तैयार हूँ। ये अच्छे चित्र नज़र आ रहे हैं कैमरा के सामने। जुनैदुल इस्लाम अपने कोटे का पहला ओवर करते नजर आ रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से काफ़ी बाहर गेंद थी, छेड़छाड़ करने के वहाँ प्रयास ज़रूर किया था इस खिलाड़ी ने, लेकिन अंत में ये नाकामयाब हुए हैं। और कुल मिला के अगर आप अभी तक इस खेल का विश्लेषण करें, जाफर भाई एक सही ट्रैक पे जा रहे हैं मुर्तजा वॉरियर्स, उनको जानते हैं क्यों हमें ज़्यादा बड़ा लक्ष्य नहीं मिला है, हम अपने साल। और इस बार कोई गलती नहीं कि शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी तैनात था, बासित अब वापस जा रहे हैं, उन्होंने एक स्टाइलिश अंदाज में शॉट खेला था, लेकिन प्लेसमेंट दौड़ने में ये असफल रहे और एक और विकेट का पतंग। ये 12वां ओवर प्रगति पे हैं, 4वीं विकेट का पतन जरूर हुआ है। बासित वापस जा रहे हैं और ये एक बहुत बड़ा दचका। अगर बात करें मुर्तजा वायरस की, 4था नुकसान उठाना पड़ा, बासित आउट होने वाले 4थे खिलाड़ी, 79 रन पे 4थी विकेट गिरी है मुर्तजा वायरस की। अगर बात करें इस समय मैं देख रहा हूं तमाम खिलाड़ी ACC जो श्रीनगर है हवल की टीम, वो आपस में एकजुट होकर बातचीत करने में मसरूफ है। वो जानते हैं कि इस मैच की क्या अहमियत है, अगर यहाँ से उन्हें मैच में वापसी करनी है तो मजीद 2 या 1 विकेट लेनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 4 विकेट अब तक खोई है मुर्तजा वारिस की टीम ने। और यहाँ से हवल नहीं चाहेगा कि इनको मैच दिया जाए, लेकिन दूसरे एंड से अगर बात करें मुर्तजा वारिस की, अब तक काफ़ी अच्छी बैटिंग भी हुई है, 79 रन पर 4थी विकेट गिरी है, इसके बाद भी बचे हैं तकरीबन
43 रन अभी भी दरकार है मैच जीतने के लिए। एसीसी अगर बात करें, एसीसी हवल को, उनको चाहिए विकेटें, और दूसरे एंड से मुर्तजा को विकेट पे बैठने की जरूरत है। बाकी ये रन जो है खुद ब खुद आने वाले हैं, क्योंकि ये विकेट जो है अब सूखी हुई नजर आ रही है। शुरू में यहाँ पर थोड़ी सी गेंद फंस के आ रही थी जब आज सुबह यहाँ पर टॉस जीता था इसके कप्तान ने, और हम थोड़े से उनको अर्चित किया था कि वो क्यों बल्लेबाजी करने आए, लेकिन बहरहाल उनका जो फैसला था हम इसमें कुछ नहीं कर पाए। और शुरू में गेंद जो थी काफ़ी रुक के आ रही थी, बल्लेबाज को स्ट्रोक खेलने में काफ़ी दुश्वारी हो रही थी, लेकिन बहरहाल किसी ने तरह उन्होंने 123 रन का टारगेट यहाँ पर रखा, और मुर्तजा वायरस की टीम ने अब तक 79 रन बनाए दूसरी इनिंग में। चार खिलाड़ी आउट, जुनेद आए और फ्लिक कर दिया, वहां पर किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं। फाइन लेग पे खिलाड़ी मौजूद था लेकिन उनके पास मौका नहीं, गेंद गोंड लाइन से पार चार रनों के लिए। तो आते ही स्ट्रोक खेलना, 43 गेंद में 43 रन चाहिए, इन चार रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 83, 48 गेंदों पर अब चाहिए 43 रन, यानी कि औसत जो है तकरीबन 5.5 के ऊपर की औसत इस समय रन रेट दरकार है। अगर बात करें यहां पर मुर्तजा वारिस की टीम को, 83 रन पे चार विकेटें गिरी है, तो कहना कहीं ना कहीं कहना पड़ेगा इस समय एसीसी हवल पर भी काफी प्रेशर है, क्योंकि वो जानते हैं इस मैच की क्या अहमियत है। अगर इस मैच को वो हारती है, ना कि मैच ही हारती है बल्कि इस टूर्नामेंट से भी बाहर जाती है जो भी टीम यहां पर हारती है, तो ये बड़ा इवेंट है, इसमें बड़े बड़े टीमें हैं, आने वाले मैच काफी टफ होने वाले हैं। जैसे ही सेकंड राउंड शुरू होगा यहाँ पर, जैसा कि आपको मेरे सहयोगी उर्दू कमेंटेटर जावेद जाफर भाई कह रहे थे कि इस मैच को हारना मना है, अगर आप ऐसा इवेंट खेल रहे हैं आपको अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन देना होगा तब जाके आप इस मैच को जीत सकते हैं। 48 गेंदों में 43 रन चाहिए मैच जीतने के लिए मुर्तजा वॉरियर्स को, एक अच्छी शुरुआत उनको दी गई है। इस बार आगे की ओर गेंद थी, एक्स्ट्रा कवर के जानिब उन्होंने जरूर खेला था, जब तक उसको फील्ड कर पाते एक रन से रोक नहीं पाएंगे। यहाँ आबिद और अजहर अहमद इस समय मैदान के अंदर है, आबिद अभी भी आए हैं जिन्होंने एक गेंद का सामना किया, पहली गेंद पे उन्होंने एक दिलकश स्ट्रोक लगाया था चार रनों के लिए। आबिद एक ऐसे खिलाड़ी हैं जो तेज खेलना पसंद करते हैं, और शायद उनको इसलिए यहाँ भेज दिया गया है कि वो चाहते हैं कि इस मैच को अब जल्द से समाप्त करें। रन के लिए दौड़ना जरूर चाहते थे लेकिन अंतिम चरणों में अजहर अहमद ने उसको नकारा, ऐसा तो लग रहा था कि अब पूरी तरह से ये मैच उनकी मुट्ठी में है। थोड़ी सी दुविधा नजर आ रही थी खिलाड़ी के सामने, और इसलिए आप देख रहे हैं डेड बॉल का करार दिया जा रहा है अंपायर की ओर से भी। शौकत अहमद गेंदबाजी कर रहे हैं अपने कोटे का तीसरा ओवर, अभी तक 6 ही रन दिए हैं, कितनी किफ़ायती गेंदबाजी उन्होंने ज़रूर की है। इस बार कलाइम के उपयोग से डीप स्क्वायर लेग की जानब से, लेकिन 2 रन से रोक नहीं पाएंगे, बहुत ही खूबसूरत रनिंग बिटवीन द विकेट, आंखों ही आंखों में उन्होंने इशारा किया है। कुल मिला के अभी तक बहुत बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, और इन 2 रनों के साथ 86 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, ये 13वां ओवर प्रगति पे हैं। इस बार अच्छी गेंद, बिल्कुल जब जब उन्होंने विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का प्रयास किया था, बल्लेबाजी और से भी सम्मान दिया जा रहा है, ज़्यादा बदलाव भी वो नहीं कर रहे हैं अपने गेंदबाजी में, और यही गेंदबाजी करने की ज़रूरत है, आप वही करें जो आपके हित में है। इस बार बहुत खूबसूरत गेंद खड़े खड़े कवर के ऊपर उठाने का उन्होंने प्रयास ज़रूर किया था, लेकिन बल्ले और बैट के बीच संपर्क नहीं हुआ, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 13 ओवर की समाप्ति के बाद 86-4 मुर्तजा वॉरियर्स की टीम। उनकी ओर से सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे इशफाक शाह और बासित के रूप में, इशफाक ने थोड़ा सा निराश किया जो 8 रन बना के वापस गए जो आबिद गुल का शिकार बने। बासित ने 27 गेंदों का सामना किया, 19 रन बना के वो जुनैदुल इस्लाम का शिकार बने। उसके बाद उनके कप्तान मुर्तजा बाबा आए थे जिन्होंने आज
फिर से निराश किया है। दो गेंदों पे उन्होंने कोई भी रन नहीं बनाया है, बिना खाता खोले वो वापस जा चुके हैं। उसके बाद जुबैर ने एक अच्छी पारी ज़रूर खेली है, 29 गेंदों में उन्होंने 29 रन ज़रूर बनाए। T20 के लिहाज से रना बॉल उतना अच्छा नहीं है, लेकिन उनके लिहाज से इसलिए अच्छा है कि उनको रना बॉल चाहिए था इस बार। बहुत खूबसूरत शॉट और ये रोकना असंभव ज़रूर लगेगा, और बॉलर्स बैक ड्राइव सबसे खूबसूरत दिलकश स्ट्रोक इसको माना जाता है। और इन चार रनों के साथ 90 रन बोर्ड पे मेरे साथ मेरे सहयोगी अंग्रेजी कमेंटेटर, क्षमा चाहूँगा अंग्रेजी नहीं उर्दू कमेंटेटर जाफर भाई, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अब जीत की महक जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आने लगी है मुर्तजा वॉरियर्स को। अगर बात करें मुर्तजा वॉरियर्स की, जो इस समय आपको साइड स्क्रीन के सामने बल्लेबाज नजर आ रहा है ना आज़र, असल में इसको पाकिस्तान के आज़र अली से भी जाना जाता है, क्योंकि उन्हीं किस्म के शॉट कैलिबर के खिलाड़ी है। ज़्यादा ध्यान आप साइड पे देते हैं, कवर ड्राइव इनका फेवरेट स्ट्रोक है, और ऐसे ही उन्होंने दर्शाया एक स्ट्रोक अभी बॉलर के सामने से निकाला था इस गेंद को, गेंद गोली के माने बाउंड्री लाइन से पार चली गई चार रनों के लिए। बेहतरीन स्ट्रोक, इससे बढ़िया स्ट्रोक क्रिकेट में और कोई नहीं हो सकता है, जिस तरह के शॉट यहाँ पर आज़र ने खेला। इन चार रनों के साथ स्कोर इस समय बढ़ता हुआ 90, चार खिलाड़ी आउट हुए हैं। जिनेद सामना करेंगे अजहर, अभी भी फील्ड तरतीब देने में मसरूफ है जिनेद, थोड़े से फील्डर को वाइड किया है वहां पर पॉइंट के, दौड़ना शुरू किया वहां पर जिनेद ने, आए गेंद की बहुत अच्छी गेंद, बैकफुट पर जाके पंच किया बिल्कुल अजहर अली की तरह, और गेंद गई शॉर्ट कवर की जाने पर। इस गेंद पर कोई रन नहीं बना, बहुत ही मंझे हुए खिलाड़ी मिडल ऑर्डर में, इस टीम की रीढ़ की हड्डी है अगर बात करें मुर्तजा वॉरियर्स की अजहर, क्योंकि बताया जाता है कि सबसे आत्मविश्वास वाले बल्लेबाज ये अजहर है इस टीम के। आए इस गेंद को देखिए, आप देखिए नजरें कितने हैं इस बल्लेबाज के पास, जैसे ही देखा कि हल्की सी शॉट अप लगता है खेला वहां पर, जब तक वहां पर मिड विकेट के खिलाड़ी आते एक रन का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 91, चार खिलाड़ी आउट हुए हैं। अगर बात करें यहां पर गेंदबाजी की, विकेटें चटकानी होगी तब जाके मैच में वापसी हो सकती है यहाँ पर ACC श्रीनगर की टीम को। एक मरतबा फिर आए जिनेद, आगे आके इस गेंद को बड़े स्टाइलिश अंदाज के साथ खेला, एक मरतबा फिर शॉर्ट कवर के खिलाड़ी के पास गेंद गई, रन बनाने का कोई मौका नहीं। स्कोर बदस्तूर 91, चार खिलाड़ी आउट हुए हैं। जिनेद इस समय अपने कोटे का आखिरी ओवर कर रहे हैं, दूसरा ओवर है माफ कीजिएगा, और उनका सामना करेंगे अजहर। आए आगे आके खेलना चाहते थे, पूरी तरह से गेंद बल्ले पे लगी नहीं जब तक वहां पर लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी आते, एक रन का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 92, चार खिलाड़ी आउट हुए हैं। 14वां ओवर इस समय जारी, जिनेद इस ओवर में अगली बार सामना करेंगे इस मरतबा अजहर। आए गेंद की और मौका बन सकता था, लेकिन उनके हाथ से गेंद छिटकी और गई है वहां पर लॉन्ग ऑफ के, और खिलाड़ी वहां पर मौजूद, एक रन का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 93, चार खिलाड़ी आउट हुए। 14 ओवरों के इख्तिताम के बाद स्कोर 93। मजीद अगर बात करें कितने रन दरकार है लवली इस समय, 36 गेंदों पर 33 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, यानी कि 5.85 के औसत से रन दरकार है इस समय मैच जीतने के लिए। और कहना ये पड़ेगा कि ACC हवल की अगर आप बात करें तो वो अभी भी इस मैच में जीवित जरूर हैं। अगर वो यहाँ से एक दो विकेट चटकाने में कामयाब होंगे तो मुझे लग रहा है कि ये बहुत ही मुश्किल समय में ये मैच ज़रूर पहुँच जाएगा। लेकिन ऐसे में सवाल यही है, क्या वो कर पाएंगे या नहीं, उस पर सभी की निगाहें ज़रूर बनी रखी हैं। ख़ास तौर से हम अपने व्यूअर्स का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि वो हमें इतना सहयोग करते हैं, और हमें उम्मीद है कि वो इस पेज को आगे चल के शेयर ज़रूर करेंगे हमारे प्रति वो प्यार आप ज़रूर दर्शाए शेयर करके। शौकत अपने कोटे का अंतिम ओवर करने के लिए तैयार हैं इस बार, बहुत ही अच्छी गेंद, बॉलर्स बैक ड्राइव खेला, रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं, और शौकत ने कितनी खूबसूरत कितनी कंजूसपन गेंदबाजी यहाँ की है। अपने चौथे ओवर में है, केवल 8 रन दिए हैं। इस बार तेजी के साथ गेंद डीप मिड विकेट पे, खिलाड़ी तैनात हैं,
दोरन के लिए दौड़ना चाहते थे लेकिन अंतिम क्षणों में उसको नकारा, लेकिन एक रन से रोक नहीं पाएंगे। इस एक रनों के साथ 94 रन बोर्ड पे शौकत ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी, नबी तुली गेंदबाजी उन्होंने ज़रूर की है। एक बार फिर से सही टप्पे पे गेंदबाजी करो और खिलाड़ी के सामने लगातार जा रहे हैं चुनौती देने के लिए, और ये सही भी है। उनके सामने कोई भी खिलाड़ी ने आज उस तरह के शॉट्स खेलने में वो असफल जरूर रहे हैं। शौकत जिस तरह से उन्होंने गेंदबाजी की है, अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो 2.57 के रन से उन्होंने रन दिए हैं अपने ओवरों में। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, ये T20 चल रहा है, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर गेंदबाजी की है। बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है खिलाड़ी को, हम क्या करें तो क्या करें। जहाँ पर इस गेंदबाज ने तो सभी को प्रभावित किया, हालांकि ये एक लेजेंडरी खिलाड़ी ज़रूर हैं लेकिन तारीफ होनी चाहिए इसकी गेंदबाजी की। ये बात तो सही है, बड़ी शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया आज यहाँ पर तजुर्बेकार और एक्सपीरियंस खिलाड़ी शौकत ने। ये दर्शाया है कि आप सीनियरिटी के मजार से खिलाड़ी को क्यों नहीं खिला रहे हो। अमूमन हम कहते हैं यहाँ पर बार बार होता है कि हमने सीनियर को आप ड्रॉप करना है, यंगों को मौका देना चाहिए। यही कारण है कि सीनियर अगर आपको देखना है तो शौकत की तरफ देखिए, अब तक चौथा ओवर कर रहे हैं, केवल 8 रन दिए। क्या कसी और मुखीचू जैसी गेंदबाजी की आज यहाँ पर शौकत ने आए, और इस गेंद को खेला वहां पर खिलाड़ी ने कोशिश की थी भरपूर, लेकिन उनके हाथ से लगी नहीं। वहां पर एक्स्ट्रा कवर पे खिलाड़ी थे, लेकिन रन एक मिला केवल। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 95-15 ओवर के इख्तिताम के बाद 4 खिलाड़ी आउट हुए हैं, मुर्तजा वारिस का इस समय स्कोर। लवली मजीद अब कितने रन दरकार है 5 ओवर में, अगले 5 ओवर में 30 गेंदों में अभी भी 31 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। अभी भी 30 गेंदों में 28 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। ACC श्रीनगर हवल की टीम इस समय आपस में बातचीत कर रहा है, और जहां पर मुझे ये भी लग रहा है कि अगर यहां से 1-2 विकेट चटकाने में कामयाब रहें ACC हवल श्रीनगर की टीम, मुझे लग रहा है कि वो अभी भी जीवित हैं। क्योंकि जो नए खिलाड़ी हैं, जब नए खिलाड़ी मैदान में आते हैं तो उनके लिए उतना आसान नहीं रहता है रन बनाना, ये आंकड़े दर्शाते हैं। नहीं, सही बात की लावली आपने, अगर यहाँ पर ACC हवल की टीम आज़र की विकेट हासिल करने में कामयाब होते हैं तो मैं समझता हूँ ये मैच जो है पूरी तरह से बदल जाएगा, मैच में वापसी हो सकती है, क्योंकि आज़र एक एंड संभाले हुए है और एक एंड को बिल्कुल बंद कर रखा है आज़र ने। मैंने पहले कहा था वो उस टीम के सबसे रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं आज़र, अगर उसकी विकेट यहाँ पर हासिल करने में कामयाब होते हैं गेंदबाज तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उन टीम के लिए भी और उनके कप्तान के लिए भी। और अभी भी 28 रन दरकार है, 30 गेंदों का खेल बचा है, तकरीबन 5.25 की औसत से रन दरकार है इसमें मैच जीतने के लिए। समीर पहली बार और खेलना चाहते थे लेकिन आप से काफी ज्यादा बाहर, वाइड का इशारा। इस एक आर्थिक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 96-4 खिलाड़ी आउट हुए हैं। 16वें ओवर का खेल इस समय शुरू हुआ है, अभी भी 27 रन दरकार है, 30 गेंदों का खेल बचाया आए और मारना चाहते थे, पूरी तरह से चकमा दिया वहां पर बल्लेबाज को, इस मरतबा गति परिवर्तन किया था वहां पर गेंदबाज ने, काफी अच्छी गेंदबाजी। अगर यहां पर लवली 1 या 2 विकेट निकालने में काम, मैच काफी दिलचस्प मरहले में दाखिल होगा। जी हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं है, अगर समीर पुलाड यहाँ विकेट लेने में कामयाब हुए तो वो वापसी भी कर सकते हैं। अभी आबिद गुल के भी 2 ओवर बचे हैं, लेकिन बहुत ही सूझबूझ वाली बल्लेबाजी, बिल्कुल भी मौका नहीं दे रहे उनको वापसी, इस मैच में वापसी करने का ACC श्रीनगर को। और ये एक बहुत ही उच्च स्तर का क्रिकेट भी देखने को मिल रहा है। अजहर अहमद और आबिद इस समय मैदान के अंदर हैं, अजहर ने 14 गेंदों का सामना किया, 20 रन बना के वो नाबाद जरूर हैं। इस बार अपनी जगह से हट के खेलना चाहते थे पॉइंट की दिशा में, लेकिन रन बनाने का कोई भी संभावना नहीं है। लगातार परिवर्तन किया जा रहे हैं गेंदबाजी में,
समीर पुलाड की अगर आप बात करें, जैसा उनका नाम रखा है बिल्कुल उसी क्षण के ये गेंदबाज भी लग रहे हैं, लगातार गति परिवर्तन कर रहे हैं, क्रॉस स्विंग से उन्होंने गेंदबाजी मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ से दिखाई दे रहे हैं। और देखना यही होगा कि इस बार बहुत लेकिन कैच होने की संभावना, शॉर्ट कवर पे खिलाड़ी वहाँ तैनात था, एक लॉलीपॉप वहाँ मिस किया गया, जहाँ पर आज तो ACC हवल श्रीनगर की जो टीम है उन्होंने काफ़ी निराश किया है अपनी फील्डिंग के, और ख़ासतौर से अगर आप कैचिंग की बात करें तो लवनी वो भी किस खिलाड़ी का कैच आपने ड्रॉप किया, एक सेट बल्लेबाज का कैच अजहर का आपने ड्रॉप किया वहाँ पर। ये तीसरा मौका है कि अगर ACC हवल की बात करें तीसरी बार ऐसा हुआ कि खिलाड़ी ने कैच नहीं लिया यहाँ पर। और इस बार क्या खूबसूरत स्ट्रोक खेला वहां पर, किसी खिलाड़ी के पास कोई मौका नहीं, गेंद मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए, दर्शनीय स्ट्रोक यहां पर। इस स्ट्रोक से काफी जो मनोबल है अगर बात करें वहां पर मुर्तजा वारिस की टीम का काफी उड़ गया होगा इन 6 रनों के साथ, स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 104। मजीद लवली कितने रन अभी दरकार है? 24 गेंदों में 19 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। अगर आप कैचेस लगातार छोड़ते जाओगे तो फिर इस तरह के शॉट्स आप देखने को मिल सकते हैं। अभी भी 24 गेंदों का खेल बचा है, 19 रन मैच जीतने के लिए करने होंगे मुर्तजा वॉरियर्स को। लग तो ये रहा कि बहुत ही आसान ज़रूर हैं। अंपायर थोड़ा सा बातचीत इस समय कर रहे हैं खिलाड़ियों के साथ जो इस समय खिलाड़ी मैदान के अंदर हैं। आज सुबह टॉस जीता था ACC हवल श्रीनगर के कप्तान ने, उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया था, हालांकि वो एक विचलित फैसला था, एक हैरान कर देने वाला फैसला था। अगर आप ये पूछेंगे क्यों, क्योंकि यहाँ पे कल से वर्षा बहुत ज़्यादा हुई थी, बारिश बहुत ज़्यादा हुई थी, उस लिहाज से पहले 6 ओवर में उतना आसान नहीं था यहाँ खेलने का, क्योंकि गेंद कभी कभार पड़ने के बाद बाहर नीचे भी रही थी और ऊपर भी जा रही थी, तो कुल मिला के दिक्कतें ज़रूर नज़र आ रही थी पहले हाफ में लेके, ख़ास तौर से शुरुआती 10 ओवरों में। लेकिन उनके कप्तान ने एक अच्छा टॉस ज़रूर जीता था, लेकिन हम आलोचना बिल्कुल भी नहीं करें, वो एक बड़ी टीम है, उनकी एक मैनेजमेंट है, उन्होंने एक फैसला ज़रूर लिया अपनी ओर से। इस बार फिर से पटकी हुई गेंद थी, फाइनल के दिशा में ज़रूर शॉट खेला था लेकिन वहाँ रोकना असंभव, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए, एक बढ़िया शॉट फिर से। अब तो लग रहा है कि वो खेल को जल्दी समाप्त करना चाहते हैं। अब केवल 15 रन और चाहिए मैच जीतने के लिए। इस बार आबिद ने अब ऐलान किया है कि मैं इस खेल को अब जो है जल्दी से समाप्त करना चाहता हूं। उन्होंने 16 गेंदों का सामना किया, 19 रन बना के वो अभी भी नाबाद हैं, जिसमें 2 चौके और 1 छक्का मौजूद हैं। मुर्तजा वॉरियर्स की अगर आप बात करें, उनके डगआउट की ओर अगर आप देखिए, उनके कप्तान मुर्तजा बाबा बहुत ही खुश दिखाई दे रहे हैं, और क्यों नहीं, वो जानते हैं कि हमारे खिलाड़ियों ने अभी तक बहुत ही अच्छे अच्छे काम ज़रूर किए हैं, ख़ास तौर से इस मैच को लेके शुरुआत से ही अभी तक वो पसंदीदा टीम लगी हैं, और अंत में भी शायद हम यही देखना चाह रहे हैं कि वो आराम से जीत जाएंगे। अब आबिद गुल को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, बहुत ही देर से उसको गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है। मुझे ये कहना पड़ेगा कि जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछतावे से क्या फ़ायदा, उनको थोड़ा सा और आगे उनको लाना चाहिए। इस बार घुमाया था स्लिप कॉर्डन के ऊपर से जानबूझ के, और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए। अब जहाँ पर लग तो ही रहा है कि वो इस खेल को समाप्त करना चाह रहे हैं। सही शब्दों का इस्तेमाल किया लवली, जिस तरह की बल्लेबाजी इस समय हो रही है दोनों एंड से अब स्ट्रोक शुरू खेलने की है। इन 4 रनों के साथ स्कोर बढ़ता हुआ इस समय 112, और अजहर के बल्ले से निकलता हुआ एक और चौका। अजहर इससे पहले ओवर में एक आसान सा कैच ड्रॉप कर दिया था वहां पर शॉर्ट कवर के खिलाड़ी ने। आबिद गुल ACC हवल के हाथ से यह मैच निकलता हुआ नजर आ रहा है। आबिद गुल अजहर को,
आगे आके खेलना चाहते थे, पूरी तरह से गेंद बल्ले पे आई नहीं, गेंद गई वहां पर लॉन्ग ऑन की ओर, एक रन का मौका। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 113। एक मर्तबा फिर आबिद गुल, अब कंधे जो है एसीसी हवल के पूरी तरह से झुके हुए नजर आ रहे हैं, क्यों ना हो, जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है अब तक, इस गेंद को खेलना चाहते थे। वहां पर विकेट कीपर से भी हल्की चूक, रन आउट का मौका, लेकिन तेजी के साथ दोनों बल्लेबाजों ने एक रन मुकम्मल किया। इस एक एक्स्ट्रा रन के बाई के रूप में यह रन आया। इस एक रन के साथ स्कोर बढ़ता हुआ 114। चार खिलाड़ी आउट हुए हैं। अजहर अब सामना करेंगे आबिद गुल का। लवरी आपको लगता है सिर्फ अवचात ही बची है इस मैच में, वरना यह मैच को पूरी तरह से डोमिनेट किया है अगर बात करें वहां पर बल्लेबाजों ने। जी इसमें कोई संदेह नहीं है कि मुर्तजा वॉरियर्स ने हर एक डिपार्टमेंट में उनको हराया जरूर है। इस बार कीपर से भी वहां चूक हुई, गेंद बाहर जा रहे हैं, एक और चौका इस बार बाई के रूप में ये रन मिलते हुए, और अंत में कीपर ने थोड़ी सी वहां गलती की है, उसका जो खामियाजा है वो भुगतना पड़ता है। और आबिद गुल बहुत ही निराश दिखाई दे रहे थे अपने कीपर से, और ये सही भी है, अगर एक गेंदबाज के तौर पे आप डॉट कर लेते हैं उसके बाद कीपर इस तरह की गलतियां करते हैं तो ये फिर होता है कि गेंदबाज गुस्सा जरूर कर लेते हैं। लेकिन हम अपने व्यूअर्स का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं जिस तरह से मुझे हमें सहयोग करते हैं, इस मंच के माध्यम से हम उनका धन्यवाद जरूर करते हैं। देखा यही जा रहा है कि अब केवल 5 रन चाहिए मैच जीतने के लिए, और कोशिश यही है उनकी कि एक बढ़िया शॉट लगा के इस मैच में, इस बार पढ़ने के बाद बाहर की ओर जरूर गई थी गेंद, निश्चित तौर पे ये वाइड का इशारा होना चाहिए जैसा कि अंपायर दिखा रहे हैं कि दोनों हाथ उन्होंने अपने हवा में लहराए। लेकिन जाफर भाई कहना यही पड़ेगा कि एसीसी हवल श्रीनगर की जो टीम है इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो एक उच्च स्तरीय टीम है, लेकिन आज उन्होंने निराश जरूर किया है, खास तौर से अपने बल्लेबाजी से। बिल्कुल सही कहा लवली आपने, शुरुआत में उनके कप्तान ने, मैं समझता हूँ, गलत डिसीजन लिया कि उन्होंने पहले बैटिंग करने का फैसला किया इस विकेट पे, क्योंकि कल की वर्षा के कारण जो गेंद थी ना शुरुआत में काफी रुक के भी आ रही थी और दूसरे एंड से सिट भी हो रही, तो बल्लेबाज को खेलने में काफी दुश्वारी हो रही थी। यही वजह कि अगर एसीसी हवल की बात करें कम स्कोर पे उनकी टीम यहाँ पर सिमटी। हालांकि शुरुआत में उनकी गेंदबाजों ने तंग जरूर किया था मुर्तजा वॉरियर्स के खिलाड़ियों को, लेकिन अंत में एक बहुत बढ़िया साझेदारी हुई। अब केवल 2 रन चाहिए मैच जीतने के लिए। इस बार बहुत ही अच्छी गेंद आबिद गुल की, वहां फन लेकर खिलाड़ी जब तक कि फील्ड कर पाते एक रन से रोक नहीं पाएंगे वहां। अब आहिस्ता आहिस्ता जो जीत की जो महक है वो आने जरूर लगी है। अब केवल 1 रन चाहिए उनको इस मैच को जीतने के लिए। लेकिन जाफर कहना यही पड़ेगा कि जितनी तारीफ करे वो बहुत ही कम है मुर्तजा वॉरियर्स को, क्योंकि पहले तो गेंदबाजी में खास तौर से बिलाल हबीब ने जिस तरह की गेंदबाजी की है और उसके बाद बल्लेबाजी में डोमिनेट किया है यहाँ, और उसकी सराहना होनी चाहिए, क्यों ना हो, जिस तरह की आज इन्होंने पूरे इस मैच में परफॉर्मेंस दी अगर बात करें यहां पर, तो काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है यहां पर इस टीम ने, तो सराहना करनी होगी यहां पर मुर्तजा वारिस की टीम को, क्योंकि दोनों शोबों में उन्होंने आउट क्लास कर दिया यहां पर। अगर बात करें एसीसी को, बिल्कुल उनको कोई मौका ही नहीं दिया संभलने का, चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्ले से हो, दोनों शोबे में डिपार्टमेंट में उन्होंने पीछे छोड़ दिया यहां पर एसीसी को। लेकिन यह हमें भूलना नहीं चाहिए, एसीसी की टीम एक मजबूत टीम है, लेकिन आज जिस प्रकार की बल्लेबाजी उनके बल्लेबाजों ने की, वही वजह है कि यहां पर रन नहीं बने बोर्ड पे, और गेंदबाज क्या करते जब कम स्कोर लगता है, और दूसरे एंड से अगर इतनी मजबूत टीम आपके सामने हो तो फिर तो मुश्किल होता है एक गेंदबाज के तौर पर। केवल 1 रन दरकार है, अभी भी काफी ओवरों का खेल बचा है,
तो लगता है यही कि इसी ओवर में ये होने वाला है ये मैच। उतना मुश्किल नहीं होगा उनके लिए, क्योंकि अगर आप एसीसी हवल श्रीनगर की बात करें, शुरुआती ओवर में उन्होंने तंग जरूर किया था, कड़े प्रश्न जरूर पूछे थे वहां उनके खिलाड़ियों को, लेकिन अंत में वो अच्छा कर नहीं पा रहे। इसी के साथ उन्होंने पहला मैच जीता। मुर्तजा वॉरियर्स ने इस मैच को बड़ी आसानी से जीता और एसीसी हवल श्रीनगर की टीम ने निराश किया अपने प्रदर्शन से, और उम्मीद ही करते हैं कि वो आने वाले मैचेस में एक अच्छी योजना के साथ मैदान में जरूर उतरेंगे। हम धन्यवाद करते हैं सभी व्यूअर्स का जिन्होंने हमें इतना सहयोग किया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में आप हमारे साथ जरूर जुड़ेगा। आने वाले मैचेस बहुत बढ़िया आने वाले हैं इसी चैनल के माध्यम से, कश्मीर सपोर्ट्स वॉच। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़।